नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स बाइट पर। बात होगी आज राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता द्वारा प्रकाशित सर्पयुग, महानारायण और कुछ बांकेराल के पेपरबैक्स की। ये कॉमिक्स एक्चुअली रिलीज तो एक महीने पहले हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी लोगों को मिल रही हैं। कुछ कारणवश मेरा पार्सल देव ने थोड़ा रोक रखा था और मैं भी अभी अवेलेबल नहीं हूँ कुछ दिन के लिए, लेकिन लेट्स डू द रिव्यू, क्विक रिव्यू। आज हम सर्पयुग और महानारायण को एक बार देख लेते हैं। ओके, बहुत ही आनंद आया देख के इन्हें, तो क्योंकि अनुपम जी का आर्टवर्क है और विनोद जी की इंकिंग है, डेफिनेटली आर गोइंग टू एंजॉय। सो विल स्टार्ट विथ सर्पयुग। सर्पयुग जहाँ पे तौसी और नागराज का क्लैश है, बहुत ही बढ़िया चल रही कहानी। दिस इज़ द फोर्थ पार्ट आफ्टर सर्पसत्र, सर्पदंव और फिर सर्पयज्ञ। अभी ये है सर्पयुग। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, नागराज पाताल लोक जा चुका है, तौसी महानगर में है, काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं इस फाइट में। और एज यू सी जो पेजेस हैं सिर्फ 32 हैं, सो दिस इज़ वन ड्रॉबैक। 32 पेज में हम जैसे पाठकों की ना भूख मिटती नहीं है मनोज जी, आप थोड़ा सा और थोड़ा सा पुश मारिए और इसको 48 पेज तो कीजिए कम से कम। 32 में बात नहीं बनती, और ख़ासकर जब अनुपम जी बना रहे हो तो थोड़ा टाइम ले रहे हैं आप, लीजिए, लेकिन प्लीज़ प्रोवाइड अस 48 पेजेस स्टोरी, है ना। कम से कम थोड़ा तो हम लोग की पढ़ने की जो भूख है वो शांत हो, है ना। और नागराज अनुपम जी का तो डेफिनेटली बनता है ये, तो है ना, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे हम लोग। और आर्टवर्क बहुत कमाल है विनोद जी का, यहाँ पे आई थिंक इंकिंग है, हाँ, और जगदीश कुमार जी भी हैं साथ में, क्या बात है, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने इस बुक पे। सर्पयुग, देन वी हैव महानारायण। सो मोस्ट टॉकेटिव बुक ऑफ द लाइक डेकेड, महानारायण, जिसका इंतज़ार कई लोगों को था, तो मनोज जी ने एक इनिशिएटिव लेते हुए इस पर काम भी किया और इसे प्रिंट भी कर दिया। दिस इज अवतरण पर्व प्रथम खंड, तो ये भी काफ़ी सारे खंडों में आएगी। सो आप लोग बने रहिए, आगे आगामी कुछ एक दो वर्षों में आपको इसके कई खंड देखने को मिलेंगे। अगेन द मास्टर अनुपम सिन्हा, है ना, स्टोरी और जो आर्टवर्क है उन्हीं का है। और नारायण के कुछ पुराने की पार्ट्स की जानकारी यहाँ पे दी गई है, और क्यों है डोगा और इसका शहनशाह, ये शायद इस सेट की कॉमिक्स हैं। और फिर आगे सर्प काल आने वाला है, नागराज तौसी। ओके, आर्टवर्क आप देख ही रहे, कमाल है, और थिक बुक है यार, पेपरबैक है ये, काफ़ी थिक है, कमाल का आर्टवर्क है। अनुपम जी इज़ बैक विद बैंग विद विनोद जी, क्या चाहिए आपको यार, बहुत ही कमाल लग रहा है, दिख रहा है। एक कॉमिक बुक प्रेमी और एक पाठक के लिए मतलब इट्स अ ट्रीट। कहानी क्या है, कैसी है, ये तो पढ़ के पता चलेगा, है ना, लेकिन बाय लुक एंड फील दिस लुक्स वेरी गुड। और पहली बार जो आप देखेंगे इसके कवर पे कोशिश की गई है एक यूवी प्रिंट देने की, है ना, यहाँ पे भी देखिए आप, तो कुछ अलग करने की कोशिश है RCMG की भी, उसके लिए उनको फुल मार्क्स, और अच्छा काम कीजिए आप, सभी सपोर्ट करते हैं, सभी कॉमिक्स प्रेमी पब्लिकेशंस को सपोर्ट करते ही हैं। ओके, आप लेते आएंगे कॉमिक्स, डेफिनेटली अच्छी चीज़ों पे हमारा पूरा ध्यान रहता है और हम लोग सपोर्ट भी करते हैं इसे, है ना। तो दिस इज़ महानारायण फॉर यू गाइस, ये महानारायण है। एंड देन इसके बाद बात करूँगा मैं उस बांकेलाल के पेपरबैक्स की। मैं नहीं छोड़ूंगा, लिखे जो खत तुझे, शेर का पंजा, साल गिरा, बांसुरी वाला, एंड देन पीकी खिचड़ी। पेजेस जो हैं ग्लॉसी लग रहे हैं, और कुछ यहाँ पे ऐड भी हैं गमराज के पुराने, और कुछ शायद पुराने मौलिक एड्स को रखने की कोशिश है। विनाश, प्रलय का शानदार ऐड, दिस इज चौबे जी, चोर बाजार, खिंचूली। कॉमिक्स सभी अच्छी हैं, बेदी जी का आर्टवर्क है, तरुण कुमार वाही एंड डेफिनेटली संजय सर भी इसमें इन्वॉल्व रहते थे, तो कहानियाँ सभी अच्छी होंगी बांकेलाल की। दीज आर ऑल क्लासिक्स, है ना। विनाश 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 का ऐड हर जगह, तब छाई हुई थी ये कॉमिक्स, तो हल्का फुल्का कुछ गम टाइप का लगा है, बट ठीक है, विल मैनेज। सो ये एक छोटा सा आपको मैंने ट्रेलर सा दिखाया, और इन डिटेल मैं रिव्यू करता नहीं हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं आप रिव्यू कीजिए, लेकिन समय नहीं मिल पाता, समय की थोड़ी कैफे था, लेकिन डेफिनेटली आप लोग बने रहे चैनल के साथ, और
आपको आगे भी अन्य कुछ पब्लिकेशंस की कॉमिक्स से रूबरू करवाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। कॉमिक्स बाइट।